धनबाद के तोपचाची प्रखंड अंतर्गत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार को तोपचाची प्रखंड के मुखिया संघ ने एक बैठक की, जिसमें कई पंचायत के मुखिया मौजूद थे। इस बैठक में कोरोना से बचने के लिए ग्रामीणों को कैसे वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाए, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कैसे कराया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी से बचने के लिए जो कमियां हैं उसे दूर कैसे किया जाए, इन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। मुखिया विकास ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई है कि सबसे पहले पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को वैक्सीनेशन लगाया जाए, ताकि ग्रामीण जागरूक हो सके और उन्हें यह विश्वास हो सके कि वैक्सीनेशन के बाद जब हमारा मुखिया पूरी तरह से स्वस्थ है तो फिर वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है और वैक्सीनेशन से जान जाने वाली बात अफवाह है। विकास कुमार महतो, विकास जी, अभी आप लोग किस जगह पर और क्या कर रहे हैं आज? देखिए, आज मुखिया संघ तोपचांची प्रखंड का हम लोग बैठक कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से हम पंचायत के मुखिया किस प्रकार से लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पंचायत में किस प्रकार से हम लोग अच्छा पालन करेंगे और जो कुछ कमियाँ हैं या जहीं कहीं कोई कोई समस्या है तो उन समस्याओं से हम वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे कि इस हिसाब से पंचायत को और भी हम लोग बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। और अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं कि सभी पंचायतों में कम से कम वॉल पेंटिंग करके सभी लोगों तक एक जागरूकता का मैसेज वैक्सीनेशन को लेकर कि सभी लोग वैक्सीनेशन निर्भीक होकर लें, क्योंकि इंजेक्शन के अलावा और कोई कोरोना का उपचार अभी तक नहीं। मुखिया जी, अभी जो गांव की स्थिति है, लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, वैक्सीन को लेकर सिर्फ जानकारी लेना गुना हो जाता है, लोग दौड़ाने लगते हैं, मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वैक्सीन लेने से ही लोगों की मौत हो रही है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, सरकार से हम लोग पूर्व में भी इस विषय पर बात रख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री के आगे ही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप जितने भी हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हों, चाहे वो वार्ड सदस्य हों, चाहे मुखिया हों, चाहे पंचायत समिति हों या जिला परिषद के सदस्य हों, आप इनका वैक्सीनेशन पहले करवाइए, क्योंकि जब गांव का लोग देखेगा कि उनके मुखिया जी को वैक्सीनेशन हुआ और वो स्वस्थ है, पूरे गांव में घूम रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, जब उनके बीच का उनका वार्ड सदस्य वैक्सीनेशन ले लेगा और वो स्वस्थ रहेगा तो लोग फिर इस जो अफवाह फैला हुआ इससे ये दूर आएंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।